जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ये बैठक दिल्ली में पीएम आवास पर दिन में 3 बजे होगी, जिसमें गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के अलावा उमर अब्दुल्ला, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, रविंद्र रैना जैसे दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल बैठक का एजेंडा क्या है ये गुप्त रखा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के विकास समेत अन्य मुद्दों पर स्थानीय नेताओं के साथ बात करेंगे। उधर आतंकियों की हरकतों को देखते हुए सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज इंटरनेट सेवा भी सस्पेंड की जा सकती है। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोभाल, PM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा, गृह सचिव अजय भल्ला के अलावा कुछ अन्य अधिकारी बैठक में शामिल रह सकते हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज शाम 3 बजे जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ होने वाली बैठक से पहले जम्मू कश्मीर BJP अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता और निर्मल सिंह पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से कौन कौन से नेता आज इस बैठक में शामिल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, गुलाम अहमद मीर और तारा चंद, PTP की महबूबा मुफ्ती, BJP के निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और रविंद्र रैना, पीपल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर बेग और सज्जाद लोन, पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह, CPIM के MY तारीगामी, JK अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी। PDP के वरिष्ठ नेता सैयद ताहिर ने कहा कि महबूबा बैठक में 5 अगस्त 2019 से पहले की संवैधानिक स्थिति की बहाली, राजनीतिक कैदियों की रिहाई का मुद्दा उठाएंगी। जम्मू कश्मीर में अगर स्थायी शांति बहाली करनी है तो संबंधित सभी पक्षों से बातचीत जरूरी है और यही बात वो बैठक में करेंगी। वो PDP और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन के एजेंडे पर बात करेंगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में जम्मू संभाग के नेता भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर को राज्य बनाए जाने और विधानसभा चुनाव कराए जाने पर नेका की तरफ से जोर दिया जाएगा। देवेंद्र राणा ने कहा कि बैठक का एजेंडा तय नहीं है, इसीलिए डॉक्टर अब्दुल्ला मौके पर कोई भी फैसला ले सकते हैं। पार्टी महासचिव अली मोहम्मद सागर ने कहा कि बैठक कामयाब रहेगी, हमें उम्मीद है जो हमारा था हमें लौटाया जाएगा। वही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अब गुरुवार का इंतजार कीजिए, हम जम्मू कश्मीर के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हितों के संरक्षण को सुनिश्चित बनाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किए अपने वादों को पूरा करेंगे। वही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता अदनान अशरफ ने कहा कि यह लोकतंत्र मजबूत हो, लोगों को उनका अधिकार मिले, यही हमारा मकसद है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष GA मीर ने कहा कि हम कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर जोर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।